असलामुअलैकुम करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, मर्दा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी प्यार हर सिराज पर। हाय हाय हाय, पाकिस्तानी प्यार, भाई साहब पाकिस्तानी प्यार का इधर भी रोस्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान का प्यार जो है आजकल बहुत फेमस चल रहा है। हर्षराज की पूत की वीडियो भाई, कोई नहीं, कोई नहीं, पूत कोई नहीं, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। हर्षराज पूत की वीडियो भाई साहब मजेदार हो जा रही, रोस्ट है भाई। और जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, देखते हैं वीडियो और अपना भी एंड कर देंगे, कमेंट कर देंगे। स्टार्ट लंडा बड़ा सख्त हो रहा है बहुत। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है धाकर न्यूज के इस ताजा तरीन एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकर न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क से धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। तो अभी जैसा कि आप न्यूज में देख रहे होंगे जी, कि आदमी बिना पासपोर्ट बिना वीजा के उछल के इधर से उधर पहुंच जा रहा है, तो उसी के सिलसिले में हम रिपोर्टिंग करने गाँव में आए हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान की है, बीमा है इधर, छह बच्चों के साथ बिना पासपोर्ट बिना वीजा के लंपू सचिन नाम के एक व्यक्ति से मिलने यहाँ पे आ गई है। और जो भी हमारा मीडिया है जो मेन चीजों पर अटेंशन देना चाहिए, जो सेंसिटिव मामला है उसको छोड़ के सारा रणनीति यहाँ पे लगाया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आए ताकि इस मैटर को एक ही बार में बेंचो सॉर्ट आउट कर दे, कि लोग बार-बार इसको नहीं मुद्दा बनाए। देखिए यहाँ पे लोग हैं, सब ज्यादा चोर लग रहा है, मीडिया वाला नहीं आया है, पड़ोसी भी दिख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आप पड़ोसी हैं क्या? हाँ पड़ोसी हैं जी। तो ये बताइए कि पाकिस्तान से औरत लेके आ जा रहे हैं आपके पड़ोसी, तो कैसा लग रहा है? अब कहाँ बताएं, ये सब देख देख के तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। सचिन सचिन कहाँ है सचिन, में लंबू सा तो है सचिन, मुंह में बोला उसके जात ना है, बोलना उसे आता नहीं है, खड़ा उसका होता नहीं है, झिंगूर सा लड़का है सचिन। उसके लिए नाला पार ना करे, पाकिस्तान से आएगी मतलब नहीं आना चाहिए। दाल में कछु तो काला है। देखिए यहाँ पे हमें खबर मिली दाल में कुछ काला, और साथ ही साथ है कि लंबू सचिन का खड़ा नहीं होता है। एक्सक्लूसिव न्यूज है धाका न्यूज पे। यहाँ देखिए लोग सब बाथरूम के बाहर ही अति लगे जी, इनसे पूछते हैं कोचिया जी बाथरूम के बाहर काला खड़ा है, अंदर गई है वो? कौन अंदर गया है? बीमा है जी। तो तुम लोग सला हागने भी नहीं दे रहा है, अंदर गई है तो है? हम लोग अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग लार रिपोर्टिंग कर रहा था। यहाँ पे अरे साला, अरे साला हाथ तो धोने दो, चलो धो हटो, बढ़िया से साबुन से हाथ धो। ये साला हाथ भी नहीं धो धोने दे रहा साला, ये रिपोर्टिंग होता है क्रिमिनल के? चलो अरे का ऐसा साला कर रहा, तुम कुछ कर रहा है जी? रिपोर्टिंग कर रहा है, यूट्यूब पर पत्रकार है। अच्छा तो ये रिपोर्टिंग से पैसा कुछ आता है? पैसा तो उतना नहीं आता, पैसा नहीं आता। तो देखो हम देखो चीज बता रहे हैं जिससे पैसा आएगा, जिसका नाम है प्रोबो। देखो प्रोबो इंडिया का फर्स्ट ओपिनियन ट्रेडिंग वेबसाइट है, जहाँ पे आप अपने यस या नो में ओपिनियन देके जीत सकते हो लाखों के रिवॉर्ड्स। और यहाँ पे देखो जैसा कि एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो थर्ड ओडीआई मैच था उसमें ईशान किशन क्या 50 मारेंगे, तो हमने 50 सेलेक्ट किया था और ईशान किशन ने 50 मारे थे, तो हमें हुआ था लाखों का बेनिफिट। ठीक है, और प्रोबो पर ना ओपिनियन ट्रेडिंग का बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि आप स्टॉक क्रिप्टो है, एंटरटेनमेंट में आप लगा सकते हो, और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने प्रोबो पर ओपिनियन देके पैसे कमाए हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसा सवाल आता है, देखो तुमको सवाल यहाँ पे दिखाते हैं। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का T20 सीरीज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीतेगी T20? बिल्कुल आराम से जीत जाएगी। तो देखो मैंने इसमें यस सेलेक्ट कर दिया है और यूटिलिटी स्लाइडर से इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर अपना जवाब दिया है, और जवाब सही होगा तो आपको मिलेगा रियल कैश, और जो भी पैसे आप जीतोगे उसको अपने गूगल पेटीएम यूपीआई में 24/7 अनलिमिटेड विड्रॉल कर सकते हो, और यहाँ मैच के दौरान भी अलग अलग सवालों पर हाँ या ना करके डेट करके इंस्टेंट पैसा कमा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड करो और आपको मिल सकता है ₹25 तक का बोनस। ठीक है, उन लोग कहाँ गए जी? अरे उधर भागे, उधर उन लोग सब उधर गया है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लाइव आपको दिखाएंगे कि जो सीमा है बीमा जो है उनका मैटर है क्या चल रहा है और क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो लाइव आइए, हम आपको दिखाते हैं धाकर न्यूज पर, और एकदम एक्सक्लूसिव खबर है, पाकिस्तानी साड़ी लग रहा है जी। आइए मेरे साथ, कह रहे हमारे से पहले ही इंटरव्यू लो बैठ गया है साला, हम आए ना धाकर न्यूज से यहाँ पर चलो यहाँ पे देखिए आपको स्वागत है धाकर न्यूज में। देखिए लाइव यहाँ पे बैठी हुई है बीमा हजार और उनके साथ एक बच्चा भी है, उनका 6 बच्चों में से एक सचिन सचिन है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लंबू सचिन जी? हाँ हम ही। अच्छा तो पहली बार कहाँ मिले थे आप लोग? हम लोग एक पबजी गेम में मिले थे। अच्छा पबजी में, इंडिया में तो पबजी बैन हो गए हैं जी, चालू हो गया, पबजी चालू हो गया, हम साला डाउनलोड नहीं किए, अभी कर लेंगे डाउनलोड। तो अच्छा ये बताइए इंडिया में आई कैसे आप?
सर मैं इंडिया आने के लिए वीज़ा लगाई थी बट कैंसिल हो गया था, फिर मैं दुबई गई और दुबई में थाईलैंड में इनका वीज़ा ही गड़बड़ हो गया, फिर ये वहाँ आया, मैं इनके साथ नेपाल गई, नेपाल से सीधे यहाँ आई। अच्छा मतलब दुबई से थाईलैंड, थाईलैंड से नेपाल, नेपाल से इंडिया, तो मतलब क्या आप मतलब पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करती हैं? नहीं मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते तो बताइए, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है दल्लूपुरा गांव, वहाँ आपको 4 आदमी को ले जाने का पैसा नहीं है और आप 6+1 7 आदमी का टिकट लेके 3-4 देश होते हुए आए, पाकिस्तान का हालत भी इकोनॉमी का भी खास्ता है, पैसा कहाँ से है? मैं हमेशा पैसा सेविंग करके रखती थी। अच्छा बचा के रखती थी पैसा, तो ये जो 6 बच्चे हैं आपके जी, तो 6 बच्चों में सबसे छोटा किसका क्या है? 2 साल है। सबसे छोटा 2 साल का है, ठीक है। तो अपने पति जो थे तो कुछ तो देते ही होंगे, पति को छोड़ के क्यों आ गई आप? सर वो हमेशा काम में बिजी रहते थे, वो इसमें कटार में 4 साल हो गया, आज घर नहीं आए। कतर में थे 4 साल से घर नहीं आए हैं, और छोटा बच्चा का 2 साल का है, वेरी वेरी स्ट्रेंज, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। तो मतलब तुम साला जासूसी करने तो नहीं आई हो जी? नहीं सर मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ, ना ही कोई जासूस हूँ, यहाँ जासूसी करने नहीं, मैं इनके प्यार में आई। यही तो डाउट है कि इनके प्यार में आई हो, शकल देखिए, मतलब झिंगूर सा व्यक्ति, तो अभी औरत बोली इसके प्यार में आ गई, हम लोगों को बुलाया साला गली में नहीं आई, अभी पाकिस्तान से इनके लिए आई है, चेहरा देखिए इनका एकदम, हम मतलब यही डाउट है मेनली। तो बताइए कि पाकिस्तान में तो उर्दू बोला जाता है लेकिन आपकी भाषा एकदम थोड़ा तड़ हिंदी बोल रही हैं। सर पबजी गेम खेलते खेलते इनसे बात करते करते मैं सब कुछ वहाँ का भूल गई, मैं यही रहूँगी इन्हीं के साथ, मतलब इनसे बात करते करते आदत हो गया। तो देखिए इंडिया में ऐसा है, इंडिया का कहीं भी कोई देश ले लीजिए तो ऐसा है कि बिना मतलब वीज़ा पासपोर्ट के कोई आता है तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी कि वापस भेज दिया जाता है, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? सर बट मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मुझे बाहर ना निकालें क्योंकि मैं इनके बिना नहीं रह पाऊँगी। मतलब आपको किसी ने सिखा होगा कि नहीं भेजा है कि ऐसा इंडिया जाके बोलना? सर मुझे ट्रेनिंग कौन देगा? कोई ट्रेनिंग? नो सर। मतलब प्यार ही? यस मैं प्यार करती हूँ। ये देखिए कहना है कि इनसे प्यार करती है। अच्छा एक और बात, जो 6 बच्चे हैं आपके, बाथरूम से आई? कितना बाथरूम जाती है जी, बार 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 बाथरूम? तुमको साला यहाँ का कोई नहीं मिला था इंडिया में, नेपाल पाकिस्तान पहुँच गया तू नेपाल के रास्ते? सर हमको बहुत तकलीफ है। तो होगा नहीं साला, यहाँ एक औरत का पेट पालने में आदमी का फट जाता है, अभी 6 बच्चा वाली औरत के लेके आया है, तुम्हें ना इतना कहे खड़ा है जी इधर, क्या क्या हो तुम? कौन? पड़ोसी है जी। उनके पड़ोसी हो, तो ये बताओ कि मतलब लेके आए हैं बगल वाली औरत, तो घर वाला कुछ कहता नहीं है? कहते हैं जी। क्या क्या कहते हैं? पबजी बंद कर दिया है हमारा। अच्छा नहीं देते, कहते तुम भी ले आओगे कोई। अच्छा मतलब इसलिए तुम भी कोई रीमा तीमा को मतलब इसलिए बैन हो गए पबजी? बिल्कुल। वेरी सैड जो यंगस्टर हैं, अरे बेटी चल बार बार कह रहे हैं कि हम इंटरव्यू यहाँ पे ले रहे हैं ना, अल्लाह समझ में नहीं करता कर ये फाड़ देंगे। देखिए हमारे साथ बीमा जी वापस आ गई है, तो इनसे एक और सवाल है कि इंडिया में जैसा आपने कहा कि अब यहीं रहना चाहते हैं, तो क्या क्या सीखा है इंडिया का? सर हम यहाँ से बहुत कुछ सीखे हूँ, जैसे बात करना, प्रणाम करना, प्रणाम करके दिखाते हूँ। अरे मुझे कहा लग रहा है, अरे ठीक है रहने दीजिए पैसा वैसा ना, अरे चलो आशीर्वाद इनको दे दिया जा रहा है। नाम कुछ है तुम्हारा? बिल्ला आजाद हैदर। बिल्ला आजाद हैदर, देखिए नाम है सर, अरे धरो के माइक के चोदके धरो साला, बिल्ला आजाद हैदर है वो साला, औरत नहीं है आदमी है, अभी देखिए बाल उसका यहाँ पे निकला है, बीमा नहीं है बिल्ला है, और तुम सर एकदम लंडूर आदमी है, तुमको पता नहीं चला 3 महीना से कि आदमी है कि औरत है? सर वो हमको बताने ही नहीं देता था, और हम तो आपको बोले ही थे कि हम बहुत तकलीफ में हैं। बताने ही नहीं देता था वो? तकलीफ तकलीफ क्या है तुम्हारा? क्या है मतलब 3 महीने से वही मार रहा था जी तुम्हारा? 3 महीने से यही तकलीफ है, बहुत बहुत दर्द हो रहा होगा उसको। वो आदमी कहता है कि सचिन बोलता नहीं है, बोलता नहीं है, लाल बोलेगा सचिन, देखिए मुंह देखिए इसका, साला 3 महीने से पता नहीं कहाँ कहाँ अंदर ले रहा है, बोली निकलेगा इसका बेचारे का? तुम बैठ जाओ, तुम थोड़ा मलहम उलहम लगाना ठीक हो जाएगा। तो देखिए यही मैटर था इनका, और लोगों से सलाह नहीं रहा था, हमने लाइव यहाँ पे सुलझा दिया है, जो औरत नहीं आदमी बन के आया था उसको भी धर बैठ बाथरूम से निकालो। आप लाइव देख रहे हैं ढाका न्यूज पर, तो यही हमने आपकी रिपोर्ट यहाँ पे आपके लाइव दिखाई है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप प्रोमो भी डाउनलोड कर ले, इन्हें उन्हें ओपिनियन देने से क्या फायदा है, ऐप पे दीजिए कुछ कमाइए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए लोग अरे साला रिपोर्टिंग लाल कर रहा, निकालो उसको, निकालो अंदर से।
चले जी वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब बिल्ला आजाद नगर से था भाई धाकर न्यूज के शो में। तो ये जो एक दो वीडियो मैंने देखी है सचिन के बारे में जो वहाँ के पड़ोसन थे ना वो बोल रही थी इंटरव्यू में। मेरे पास पढ़ी है रील एक। अच्छा कहती है लिप्पू सा है वो यार तो सच्ची बोल दिया उसने। ये बात बोल रहे हैं कि उनका खड़ा नहीं होता। इधर वाले पड़ोसी पता है क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि वो जो बच्चा है वो 1.5 साल का उसके खामन को आए हुए 3 साल से ज्यादा सा हुआ है 4 साल अब वो आए नहीं रहा। तो फिर ये बच्चा किधर से पैदा होगा 1.5 साल जो बोल रहे हैं? वो सचिन के ऊपर थोप रहे वो सचिन का बेटा है। सचिन का नहीं आप जैसे हमसाय का बेटा होगा धूल लगा लेते हैं साथ में। जिस तरह वो हमसाय बोल रहे इस तरह वो हमसाय भी बोल रहे साहब ये झूठ है ऐसा नहीं है झूठ है ऐसा चलता है। तो वो सुंदर बोल रहे वो कितने चार चार बच्चे हैं 3 बच्चे झूठ ऐसा बोल रहे। तो ये कुल्लम कुल कहानी झूठ की चली। मुझे तो सीमा अगर का मामला ही झूठ लगता है यकीन मानिए। सच्चा खुद बोल रहा था उसको वापस भेज दो पाकिस्तान। इंटरव्यू सुना है उसका जो सऊदी अरब वाला जो इसका असली जिसकी बेबी भाग जाए बच्चों को लेके हाँ। वो बंदा ऐसे बैठ के नॉर्मल से बैठा और वो हंसता रहता है उसका चेहरे पे लगते नहीं कुछ। शर्म से आंखें झुकी रहती है उस बंदे की किसी को आंख मिलाने के काबिल मेरे ख्याल से तो ऐसे सामने ही नहीं आएगा। वो मीडिया के सामने जरूरत नहीं होती। इंडिया का जो बंदा जिसकी वाइफ जो वो जो ऑफिसर बनी थी वो बंदा देखा उसकी आंखें नम रहती है भाई साहब चेहरा उठाई सब रोकर दुआएं दे रहा था रोकर दुआएं। तो वो तो बच्चों को भी साथ लेकर चली गई है भाई। ये बहुत बड़ा इतना पहले के साथ काम किया हो गया है यकीन माने ये बहुत बड़ी साजिश है जो अभी तक पकड़ी नहीं गई। अच्छा एक और मैं एक और इंटरव्यू देख रहा था उनका ही जो तो रोज इंटरव्यू देख रहा था भाई साहब ये इंटरव्यू देखा जो दुकानदार थे वो भी बोल रहे थे वो उसका चाल चलन ही ऐसा था सीमा का। अच्छा वो तो उसकी दोस्त ही कह रही थी फिर उसको फिर इधर कोई एक काम होता कोई तो वजूहत है। अच्छा एक और भी बात तू ये टोटली ये नहीं बोल सकते तो बोल सकते थी नहीं हम बोल सकते हैं तो वो उनके पड़ोसी थे भाई साहब। वो इंटरव्यू दे रहा है ये भी तो इंटरव्यू दिया है या तो ये पाकिस्तान की तरफ से कोई साजिश बनी है या जो कुछ या इंडिया की तरफ ये कुछ ये है ऑलरेडी ही इंडियन थी ये मुझे भी ऐसे लगता है। उससे कलमा यार तू इतने साल जिसकी शादी हुई बच्चे हुए उसे कलमा एक पहला कलमा भी नहीं आता कैसे मुमकिन हो सकता छोटे छोटे बच्चों अगर वो जो मोबाइल चला रही है ऐसे टका टक छोटे से बच्चे से भी पढ़ो सुनो कह रहा उसको भी कलमा आता ये भी तो इंटरव्यू ले रहा है ये क्या कर रहा है अब इसको सच मान ले भाई ये सारा झूठ है पता नहीं हकीकत क्या है इसमें आज तक पता नहीं चला इसके पीछे साजिश क्या है या कौन कर रहा है क्यों करना चाहता है इसके पीछे मिशन क्या है पता नहीं लगा। असल में इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहते थे किसी और तरफ से तवज्जो हटाने लेकिन सीमा हैदर को फेमस इतनी हो ये है भाई वो तो फेमस हुई यकीन मान वो स्टार बन गई है किस्म की ऐसी बात हाँ बड़ी स्टार बन गई सुपरस्टार अब तो उसके पनीर सुपरस्टार तो भाई ये पब्लिक सिटी तो होती है वो उसकी इतनी ज्यादा हो गई है। इंडिया का सबसे बड़ा जो गोदी मीडिया वो भी उनके छत पे बैठा हुआ था गोदी मीडिया वो भी छत पे आके बैठे हुए थे क्या बात है लेकिन आकड़ न्यूज वाले वहाँ मौके पर नहीं पहुंचे भाई इधर अपने छोटे मोटे यूट्यूबर है ना छोटे मोटे 3-4 वो बहुत बड़े एंकर है जो पहुंचे हैं। भाई साहब सीधा ये ना मुद्दों से बात हटाने के लिए ना ये इस तरह की जो अफवाहें हटाई ये उजागर कर देते हैं उधर मामला को सुने ना कुछ और मसले की जो उधर जाओ इस पे ही हो जाए। इसकी एक तालातरीन मिसाल ये भी है कि वहाँ से भी 2 लड़कियां आई हैं ना पाकिस्तान भाई तो आपकी इतला के लिए तीसरी भी आ गई है आपकी इतला के लिए कनाडा से एक इंडियन यहाँ हमारे मुल्क में सिर्फ इंडिया के
खिलाफ स्टेटमेंट दी है और कुछ उसने मुसलमान से पहले शादी की है। आप मुकम्मल उस मोटी से लड़की जो मैंने उसका इतना इंटरव्यू सुना है वो 10 सेकंड भाई उसने पाकिस्तान लड़के से शादी की कनाडा में है वो हिंदुस्तान की। उसने यही बोला कि मैं जो है ना पढ़ाई मैंने जो इंडिया से की बाकी जो मैंने आकर इधर कनाडा के अंदर की और मैं इधर सेफ फील कर रही हूँ। लेकिन हमारे मुल्क में इतना उजागर लड़कियाँ आई ना ये तो मानते हो हमारे मुल्क में बात को नहीं हमारे मुल्क में इतना उजागर तो नहीं ना किया गया। वहाँ पर हर बंदा ही कैमरा लेके उसके पीछे हर बंदा ना वो खान साहब का मुद्दा उठाते हैं बाकी मुद्दे नहीं उठाते। तो ठीक है भाई अपनी द्रुपदा लेकिन दाकर न्यूज वाले ने भाई साहब कमाल कर दिया उस लड़की ने कमाल किया जिसने एक लव से बोला है उसका हालत भी शुकूब बड़ा बड़ा सचिन की हालत भी शुकूब जाती है। फिर चलो मेरे को सारा मरबा ले आओ तो भाई साहब लग भी आप भी तो मुझे अच्छा लग रहा है बार बार उछल भाई साहब अच्छा हम जाड़ों में से आपको लिप्पू सा कौन लग रहा है बताओ आपके मुंह इतने इतने बड़े हैं वो मरने वालों की देख की तरह फिर मैं क्या करूं भाई कह रही थी कि चुपे आप की तरह उसका मुंह है आपके मुंह में बड़े भैंस हैं मैं क्या करूं भाई आप मुझे तीनों कहेंगे आपका पतला सा मुंह पतला सा ऐसे ही बोलोगे तो कल को भाई साहब अच्छा एक मिनट पूरे गांव में भाई किसी एक के साथ कंपेयर कर ले कितने किसी एक से भी तेरा मुंह बड़ा होगा कोई इधर मेरे साथ भी बैठा होगा वो भी मेरे जैसा होगा हो सकता है नहीं ये कोई भी नहीं यहाँ पर कोई भी नहीं लेकिन भाई साहब दाखिल वो जो लेनी थी उसका जो ना रिएक्शन था वो बहुत बढ़िया था और ये भी सच है कि जो वाला रिएक्शन वो ठीक नहीं था वो तो और भी दास था उसने बोला मुझे प्रॉब्लम है लेकिन वो सुनी नहीं गई मैं बहुत तकलीफ में हूँ उसने सुना जब तो फिर हैरान हो गया इनके साथ इसके साथ क्या हो गया तो कभी कभी तकलीफें ऐसी भी हो जाती है कि भाई साहब किसी को कम नहीं समझना चाहिए सामने वाला तुमसे भी खतरनाक तो यकूब को आप ना यकूब जो है लिप्पू साहब को लेकर मिलता है यकूब बड़ा आंसर है इसके साथ भी यही इसको भी बहुत तकलीफ है ये बहुत दर्द मुझे तो खान की तकलीफ होती जब मुझे मान गया और मान गया भाई है तो तकलीफ क्योंकि मेरा लीडर है वो मुश्किल में है। तो ठीक है भाई अपनी रूपता के कमेंट सेक्शन में मिलते हैं वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें अल्लाह हाफिज़।